हेलो, चलिए आज डिस्कस करते हैं। सब यहाँ पे फिगर तो नहीं दिया है, बट कुछ इन्फॉर्मेशन दिया है, देखते हैं इन्फॉर्मेशन में क्या दिया है। सेगमेंट ए में सब मीडियन ऑफ ट्राइंगल एबीसी, दैट मींस एक ट्राइंगल है, उसका नाम है एबीसी और कहा गया ए एम इज अ मीडियन। तो मीडियन का मतलब हमें पता है, इट इज अ सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स टू द मिड पॉइंट ऑफ द ऑपोजिट साइड। दैट मींस बोला गया ए एम इज अ मीडियन, और ए तो हमें पता है वर्टेक्स है ट्राइंगल का, तो यहां से उसके ऑपोजिट साइड मतलब बीसी के मिड पॉइंट को ज्वाइन करना है, और उस मिड पॉइंट का नाम होगा एम। दैट मींस एम इज अ मिड पॉइंट ऑफ बीसी, दैट मींस बीएम और सीएम का लेंथ इक्वल है, जब हम ज्वाइन करेंगे ये बन गया मीडियन। ओके, यहाँ पे हमें AB का लेंथ दिया गया है 22, AC का लेंथ दिया गया है 34 और BC का लेंथ दिया गया है 24, और फाइंड करना है मीडियन का लेंथ। तो हमें पता है ट्राइंगल है, मीडियन का लेंथ फाइंड करना है, और साइड्स के इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। दैट मींस कौन सा थ्योरम अप्लाई करना है? अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करना है। ओके, अपोलोनियस थ्योरम क्या है, उसे कैसे अप्लाई करते हैं, उसका प्रेजेंटेशन कैसा लिखते हैं, ये सारी चीजें हमने एक वीडियो में डिस्कस किया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। तो जब वो अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलता है रिजल्ट में, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए एम स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ वन ऑफ द इक्वल साइड्स उसका स्क्वायर। अब इक्वल साइड्स का लेंथ मिलेगा ना, बिकॉज बी सी का लेंथ दिया है, तो हम बी एम या सी एम का लेंथ फाइंड कर सकते हैं। वो हाफ हो गया, तो पहले वो फाइंड कीजिए, बिकॉज उसे हमें अप्लाई करना है, यूज करना है थ्योरम में। तो हम पहले लिखेंगे BM is equal to half of BC, क्यों? Because हमें पता है M is a midpoint of segment BC, तो half of 24, half of 24 कितना है? That is 12, that means हमें BM का लेंथ मिला है 12 units। अब BM का लेंथ मिल गया, तो क्या अब अप्लाई कर सकते हैं अपोलोनियस थ्योरम? Yes, तो लिखेंगे उसका स्टेप इन ट्राइंगल ABC, AM is a median, तो यहाँ पे हम आगे क्या लिखेंगे, ए से ओरिजिनेट हुआ है ये राइट मीडियन, तो वहां से जो दो साइड्स ओरिजिनेट होते हैं उनके स्क्वायर का सम वो आएगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो हम लिखेंगे ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ मीडियन स्क्वायर, माने ट्वाइस ऑफ ए एन स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक इक्वल साइड का स्क्वायर, दैट इज बी एन स्क्वायर लिखते हैं। वेरी गुड, इसका रीजन क्या है, अपोलोनियस थ्योरम याद रखना, स्पेलिंग अपोलोनियस का वो करेक्टली लिखना, APOLLONIUS अपोलोनियस थ्योरम। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कीजिए, AB का वैल्यू है 22, तो वहां पे लिखेंगे 22 स्क्वायर, AC का वैल्यू है 34, तो लिखेंगे 34 स्क्वायर, ट्वाइस ऑफ AM स्क्वायर, राइट AM की वैल्यू नहीं है तो फिर से रखना है, ट्वाइस ऑफ BM स्क्वायर, BM की वैल्यू अभी हमने फाइंड किए है 12, तो लिखेंगे ट्वाइस ऑफ 12 स्क्वायर। तो चलिए सॉल्व करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में 22 का स्क्वायर है 484, 34 का स्क्वायर मल्टीप्लाई कीजिए 34 इंटू 34 कितना आ रहा है, वो है 1156। राइट हैंड साइड में ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर वैसे ही रहेगा, ट्वाइस ऑफ 12 स्क्वायर, 12 स्क्वायर कितना है 144, सो ट्वाइस ऑफ 144। नेक्स्ट स्टेप में इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, बाकी सभी चीजें वैसे ही रहेंगी, 484 प्लस 1156 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर प्लस 288। ओके, लेफ्ट हैंड साइड को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हैंडल में 484 प्लस 1156, 4 प्लस 6 इज 10, 0 1 कैरी, 8 प्लस 5 13, 4 यस 1 कैरी, सो 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6, दैट मींस आएगा, दैट इज नथिंग बट 1640, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर प्लस 288। अब 288 को वहां पे ट्रांसपोज करेंगे तो हमें मिलेगा 1640 माइनस 288, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम स्क्वायर। अब इसे सब्ट्रैक्ट कीजिए, चलिए 1640 माइनस 288 कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, यस इट इज 1352, दैट इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एन स्क्वायर। तो एन स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये 2 जो है वहां चला जाएगा डिवाइड बाय 2, सो 2 से जब कैंसिल करेंगे, सो 2 6 जा 12, फिर आया 15, सो 2 7 जा 14, देन 2 6 जा, दैट मींस हमें आएगा एन स्क्वायर इज इक्वल टू 676, और 676 है एम स्क्वायर का वैल्यू, तो एम का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 676, और स्क्वायर रूट ऑफ 676 हमें पता है वो है 26, दैट मींस हमें एम का लेंथ मिल गया, मतलब मीडियन का लेंथ मिल गया जो हमें फाइंड करना था, दैट इज 26 यूनिट्स। अब बताइए क्या ये सम इजी था, बहुत ही सिंपल था। तो सम का इंफॉर्मेशन देके हमें जानना जरूरी है कि हम थ्योरम क्या अप्लाई कर रहे हैं, क्यों अप्लाई कर रहे हैं, उसका प्रेजेंटेशन तो हमें पता ही है, तो बहुत ईजी है, खुद सॉल्व कीजिए तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कैलकुलेशन में। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर आप सिमिलैरिटी प्रिपेयर कर रहे हैं तो प्रैक्टिस एट 1.3 के लिए यहाँ क्लिक करें, 1.4 के लिए यहाँ क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप शेयरिंग।